दोस्तों अपने मोबाइल में लाल बटन दबा दो प्लीज, और ये घंटी भी बजा देना। और छोटे क्या कर रहा है? पबजी खेल रहा हूँ बड़े। बस दिन रात बस पबजी खेल। तू पबजी के बारे में कुछ पता भी है कि पबजी को बनाने वाले महान शख्स कौन है, पबजी कब और कैसे बना, पबजी चैंपियनशिप क्या है, पबजी कैसे पैसे कमाता है, और इंडिया में पबजी के प्रो गेमर्स कौन है? बड़े ये सब तो नहीं पता, बताना प्लीज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पबजी की कहानी पबजी के इस ट्रेलर के साथ। तो दोस्तों ट्रेलर देखकर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पबजी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है। पबजी को पबजी कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है, जो कि ब्लू होल कंपनी की एक सब्सिडरी है। पबजी को बनाने वाले शख्स हैं ब्रेंडन ग्रीन, जो कि प्लेयर अननोन के नाम से जाने जाते हैं। पबजी का नाम भी इन्हीं के नाम से डिराइव किया गया है, यानी कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। पबजी गेम सन 2000 में आई जापानीज मूवी बैटल रॉयल से इंस्पायर्ड है। इस मूवी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है कुछ खाना और वेपन के साथ, और एक दूसरे को किल करते हुए लास्ट तक जो भी इंसान बचता है बस वो ही उस आइलैंड से निकल पाता है। अगर बड़े ब्रेंडन ग्रीन ने ये मूवी नहीं देखी होती तो आज हमारा क्या होता? हाँ छोटे, और हमें अपने पेरेंट्स की इतनी डांट भी नहीं खानी पड़ती। तो दोस्तों मूवी की तरह पबजी गेम में भी यही होता है। 100 प्लेयर्स एक साथ पैराशूट से एक आइलैंड में लैंड करते हैं। इस गेम को आप सोलो भी खेल सकते हैं और मैक्सिमम 4 मेंबर्स की टीम के साथ भी खेल सकते हैं। आइलैंड में लैंड होने के बाद और जो भी टीम या इंडिविजुअल लास्ट तक सर्वाइव कर पाता है वो इस गेम का विनर होता है, और उसे चिकन डिनर करने को मिलता है। काश है चिकन डिनर सही में मिलता। पबजी गेम सभी एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, जैसे कि एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन, पीसी, एंड्रॉइड एंड आईओएस। एंड्रॉइड और आईओएस के लिए पबजी गेम तो फ्री है, बट एक्सबॉक्स, पीसी और प्लेस्टेशन में खेलने के लिए हमें इसे परचेस करना पड़ता है, और यही है पबजी की कमाई का मेन जरिया। पीसी के लिए पबजी गेम दिसंबर 2017 में रिलीज किया गया था, वहीं एंड्रॉइड और आईओएस के लिए इसे मार्च 2018 में रिलीज किया गया है। मार्च 2018 में रिलीज होने के कुछ महीनों में ही पबजी गेम एंड्रॉइड और आईओएस स्टोर में टॉप में आ गया। एंड्रॉइड में इसके 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। पबजी ने मोस्ट प्लेड गेम्स ऑफ ऑल द टाइम्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, क्योंकि कुछ ही महीनों में इसकी 50 मिलियन से ज्यादा कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिक चुकी थी, और एक साथ 400 मिलियन प्लेयर्स का पबजी खेलने का एक रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही पबजी को और भी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। ब्रेंडन ग्रीन एक आयरिश व्यक्ति हैं, जो कि पहले ब्राजील में रहा करते थे। वह पहले एक फोटोग्राफर, वेब डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर हुआ करते थे। ब्रेंडन को बचपन से ही वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था। वह पहले एक डेल्टा फोर्स नाम का गेम खेला करते थे, जो कि एक बैटल रॉयल गेम था, और इसी गेम से इंस्पायर्ड होकर उनका इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट में जागा और उन्होंने इसके लिए प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर दी। ब्रेंडन ग्रीन पबजी बनाने से पहले बहुत से गेम डेवलप कर चुके हैं, जिनमें से एक गेम था आर्मा 2, ये भी एक बैटल रॉयल गेम था। इससे इम्प्रेस होकर सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट से उन्हें एक ऑफर आया कि वो उनके साथ मिलकर एक बैटल रॉयल गेम डेवलप करना चाहते हैं, और फिर ब्रेंडन ग्रीन और सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने आपस में मिलकर एक गेम बनाया, जो था H1Z1, ये भी एक बैटल रॉयल गेम था। वहीं दूसरी तरफ चेंग हान किम, जो कि ब्लू होल कंपनी के CTO थे, बहुत साल से एक बैटल रॉयल गेम बनाना चाहते थे, और इसके लिए जब उन्होंने एक अच्छे गेम डेवलपर की खोज स्टार्ट की तो उन्हें ब्रेंडन ग्रीन के बारे में पता चला, और उन्होंने ब्रेंडन ग्रीन से कांटेक्ट किया। इसी दौरान ब्रेंडन ग्रीन का सोनी से कांटेक्ट भी खत्म हो रहा था, तो उन्होंने ब्लू होल कंपनी ज्वाइन कर ली। किम ने ब्रेंडन को क्रिएटिव डायरेक्टर बनाकर 2016 में गेम बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ब्रेंडन ने बहुत से बैटल रॉयल गेम में काम किया है, इसलिए उन्हें इस गेम में आने वाली सारी कमियां और मिस्टेक का पता था, जिसे वे दूर करना चाहते थे। ब्रेंडन एक ऐसा गेम बनाना चाहते थे जो कि बिल्कुल भी प्रेडिक्टिव ना हो और हर बार खेलने में उतना ही एक्साइटिंग और न्यू हो। इसके लिए उन्होंने अपने साथ 35 डेवलपर्स की एक टीम बनाई और काम करना स्टार्ट कर दिया, और 2017 दिसंबर आते आते उन्होंने इसका फर्स्ट वर्जन पीसी के लिए लॉन्च कर दिया। पबजी ने मार्केट में आते से ही धूम मचा दी। प्रो गेमर्स और नॉन गेमर्स भी इसके दीवाने बन गए। पबजी ने बहुत सारे अवार्ड जीते, जिनमें से कुछ हैं बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर और मोबाइल गेम ऑफ द ईयर। पबजी की दीवानगी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है,
और इसी के चलते पबजी ने 2018 में एक चैंपियनशिप कराई थी जिसका टोटल प्राइस था $1 million और इसमें 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इसी की तरह पबजी इस बार इंडिया में भी चैंपियनशिप करा रहा है जिसमें टोटल डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्राइस है ₹1 करोड़ और जो विनर होगा उसे मिलेंगे 30 लाख, सेकेंड प्राइस 10 लाख और थर्ड प्राइस 5 लाख है और इसके नीचे पार्टिसिपेटिंग टीम्स को थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पबजी सिर्फ एक टाइम पास करने वाला गेम नहीं, इसके जरिए भारी भरकम रकम भी कमा सकते हैं और सही का चिकन डिनर भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंडिया में बढ़ते हुए वीडियो गेम्स के क्रेज की। पबजी गेम को लोग सिर्फ खेलते ही नहीं हैं, बल्कि इसकी यूट्यूब पर वीडियोस भी बहुत पसंद की जाती हैं। पबजी के प्रो गेमर्स अपने गेम की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर करते हैं और इसे लाखों लोग देखते हैं। इसके चलते इंडिया में प्रो गेमर्स की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ रही है। इंडिया के कुछ प्रो गेमर्स हैं कैरी मिनाटी, डायनमो, गनशॉट, मॉर्टल। अब बात करते हैं कि पबजी पैसे कैसे और कितने कमाता है। पबजी गेम जहां मोबाइल्स के लिए फ्री है, वहीं गेमिंग कंसोल्स और पीसी में खेलने के लिए इसे खरीदना पड़ता है। पबजी गेम में किसी दूसरे गेम की तरह कोई भी एड्स नहीं आती है। ये अपनी कमाई सारी गेमिंग यूनिट्स बेचकर और इन गेम परचेसिंग से कमाता है, जैसे कि रॉयल पास और कॉस्मेटिक्स से। पबजी की कमाई को लेकर पबजी ने अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं किया है, बट फरवरी 2018 में इसकी एक महीने की कमाई $103 million थी, यानी कि ₹721 करोड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गेमिंग इंडस्ट्री किस हद तक ग्रो कर सकती है और इसका क्रेज कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी पबजी से रिलेटेड फैक्ट्स के ऊपर, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।